भी बेटा, अभिषेक गर्ग 2093, आपका रोल नंबर भी पीछे आ रहा है बेटा, कैनोनिकल ऑर्डर में नहीं आ रहा। तुमने आज दूसरा उससे लॉगिन किया है। अभिषेक गर्ग, कैन यू हियर मी? यस मैम, बच्चा, योर रोल नंबर इज कमिंग आफ्टर योर नेम, इट इज नॉट कमिंग इन द क्रोनोनिकल ऑर्डर। इट योर रोल नंबर हैज टू कम बिफोर। निखिल, यूजर नेम ठीक कर ले बच्चा। ओके निखिल, ओके। तुषार, बच्चा अपडेट कर लो, चेंज कर लो ओके मैम। योर रोल नंबर फॉलोड बाय योर सेक्शन। आप ऊपर देखो, फॉर एग्जाम्पल कुंदन ने किया है 2917-A-कुंदनलाल। सेम एज ओके सोहेल हैज मैम, ऑल्सो डन 2963-A-सोहेल खान। योर रोल नंबर, देन योर सेक्शन एंड देन नेम। ओके मैम। निखिल, यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम। ठीक है बच्चा। निखिल, निखिल मिश्रा, ओके। वी वर डूइंग, आई थिंक हमने प्रोस्पेक्टस की लाइबिलिटीज की थी, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस किया था, दैट वाज वी डिड लास्ट। यस मैम, नो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं दिया है ना, आई मैम, थिंक टाइम से। नो मैम, नॉट येट। मैं ना तुम्हें एक ग्राफ, एक वो भेज रही हूँ, बिकॉज आई एम रेफरिंग टू थ्री बुक्स एंड सम नोट्स ऑफ माइन। तो मैं तुम्हें क्या भेज रही हूँ, मैं ना तुम्हें एक स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ अलग बुक से, और कुछ नोट्स भेज रही हूँ अलग बुक से। ठीक है, हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस कर लिए थे। मुझे तुम्हारे साथ ना एक तो बुक बिल्डिंग प्राइस, बुक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट करना है, और दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, और तीसरा जीडीआर करना है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये तीन चीजें आज हम करेंगे, और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड देन वील मूव टू अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। हम थोड़ा सा पीछे हैं एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शंस, बट आई थिंक वील बी एबल टू मैनेज द सेम। हमें ये खत्म करेंगे हम, तो उसके बाद हम पहुंचेंगे प्रोस्पेक्टस के बाद हम पहुंचेंगे अलॉटमेंट ऑन फोर फीचर पे, देन शेयर एंड शेयर कैपिटल पे। कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम बाय दिस वीक एंड हमारा ये खत्म हो जाए। ठीक है, यस मैम, ओके, सेंडिंग योर चार्ट। मैंने लास्ट विनीत क्या भेजा था हैंडआउट पढ़ने के लिए? अच्छा, लेट मी सी, मैंने भेजा है, मैंने नहीं भेजा है, तो देख लेती हूँ क्या भेजा था। प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन करी थी, ऑफर फॉर सेल किया था, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस किया था, कंटेंट्स भेजे थे। ओके, मैं तुम्हें ना दो तीन बुक्स से भेज रही हूँ,
तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ टॉपिक वाइज करना, ठीक है? ओके ओके मैम। मैम। सो गई क्या? आई थिंक बोथ द सेक्शंस हैव गॉट द स्क्रीनशॉट्स नाउ। यस मैम। सेक्शन ए को मिला दिव्यराज। यस मैम। ओके सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं, अगर हम अभी सारे ही पढ़ेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ एक बार देख लो कि जो मैंने तुम्हारे टॉपिक्स कवर किए हैं, दैट इज मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, मैंने तुम्हें वो भेजा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर, ये सब भेजा है। तो ये दो अलग अलग बुक से भेजा है बेटा, तो एक बार चेक कर लो कि हमने जो डिस्कस किया है उसमें कोई चीज रह तो नहीं गई या कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आ रही। इसमें ना एक चार्ट है, आई थिंक पेज नंबर 8.16 पेज पे, कैन यू सी दैट चार्ट? कैन यू सी दैट चार्ट ऑन पेज नंबर 8.16 हिमांशु? यस मैम। Yes, आपको मार्क कर लो जैनब, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट यू ड्रॉ दिस चार्ट, तुम्हें चार्ट पे ही मार्क्स मिल जाते। ओके मैम। ठीक है दिव्यराज, एक बार देख लो, हम कल डिस्कस कर रहे थे प्रोस्पेक्टस, तो हमने चार्ट के सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं, कोई चीज रह तो नहीं गई या फिर कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई है, व्हाटएवर। ओके मैम। देख ले बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कब प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई चीजों को गलत माना जाएगा या किस किस चीज के लिए हम प्रोस्पेक्टस में को मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस मान के लायबिलिटी सिविल हो या क्रिमिनल चार्ज करेंगे। ठीक है रिदम, तुम्हारी टैक्सी क्लास कितने बजे हो रही है आजकल?
1:30। और दिव्यराज तुम्हारी कितने बजे हो रही है बच्चा आजकल? मैम कोई टाइम फिक्स ही नहीं रहता, कल 12:30 में हुआ, आज 1:30 में हुआ। आज कंबाइंड क्लास हुई थी? यस मैम। वर्षा मैम के साथ हो रही है ना आपकी भी? यस मैम। कौन से कंबाइन ही होती है हमेशा मैम? हमारी अब हमारी पर होगी क्लास कंपनी लॉ की। नहीं जैनब, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं ना एक्चुअली एक क्लास तो 4:30 लेना ही चाहती हूँ, एक 2:30 लेना चाहती हूँ कि उस टाइम पे आप लोगों की कोई क्लास नहीं होती ना। सेक्शन ए एंड बी 2:30 यू गाइस आर फ्री राइट? यस मैम। नो। यस मैम। यस मैम। यू सेड नो? एनीबॉडी सेड नो? नहीं ना। I think our classes are getting dispersed by 8th of December. No idea. मैंने academic calendar भेजा था एक बार तुम लोगों को। ठीक है। Please एक बार ये देख लो तो फिर मैं आगे move करूँ। Anything which I have missed, anything that I have not covered, please let me know. Excuse me ma'am. हाँ बच्चा बोलो। Ma'am there is a last point on 8.15 page number. I have a query in it. Okay. एक बार mark करता जा, वैसे तो मेरे को बता दो क्या है, लेंगे लेकिन हम सारे साथ में doubts. क्या है इसमें we need doubt? A statement of fact must be distinguished from a statement of opinion. Yes ma'am. Mark कर ले। मैं इसको जैसे ही सारे तुम लोग देख लेते हो विल टेक इट अप। ओके मैम। देखो और भी कोई चीज है जो नहीं समझ में आई है? विनीत, नॉट जस्ट यू, एवरीबॉडी, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है प्लीज पॉइंट इट आउट। वी कैन डू टेक, विल टेक अप द डाउट्स। हम एक चीज को 100 बार भी करेंगे बट बेटा समझना बहुत जरूरी है। ओके मैम। देखो देखो ध्यान से देखो, चार्ट को जरूर देखना। दिव्यराज, हिमांशु, जैनब, पुनीत, प्रथम, अभिषेक, प्लीज लुक एट द चार्ट। सी दिव्यराज, मिस नहीं होना चाहिए चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम। तुम लोगों की भी डेट शीट नहीं आई ना बेटा? नो मैम। आई होप ऑल ऑफ यू हैव फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। यस मैम, वी फिल्ड इट। यस मैम। प्लीज वो मिस मत करना, अदरवाइज नहीं मिलेगा रोल नंबर। मैम वी फिल्ड इट प्रायर द बिगिनिंग ऑफ सेकंड सेमेस्टर।
नहीं, बहुत टाइम हो गया बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, तो सबने टीचर्स ने भी डाला था ग्रुप पे। मैम हम लोगों ने सितंबर में ही 10 सितंबर तक डेट था उसका, लेकिन फिर एग्जामिनेशन एक फॉर्म नोटिस आया है जिसने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है कि अगर किसी ने फिल कर दिया है तो उसको रिफंड के लिए अप्लीकेशन देने के लिए। मैम वो तो सेकंड सेमेस्टर के लिए था ना, 10 सितंबर को। तो हाँ बेटा, अब तो थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है देवराज। हम इसका हमने नहीं भरा अभी, हमारे पास आया भी नहीं सेमेस्टर का तो इसका नहीं आया रिफंड। अभी तक, जो अगस्त में आया था जिसमें एबी का भरना था। हम एक्चुअली देयर इज अ नोटिस दैट थर्ड इज आउट सेकेंड यस्टरडे, ईयर का था। पता नहीं मैं एक बार अभी चेक करती हूँ। मैंने कल ही एक देखा है, सर ने डाला था कि दिस एग्जामिनेशन फॉर्म इज आउट। यस मैम, बट द लिंक दैट इज गिवन ऑन द डेट ऑफ 8th नवंबर, इट्स नॉट ओपनिंग। यस मैम इट्स नॉट ओपन। अच्छा, इट सेज दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन नवंबर दिसंबर इज 18th नवंबर। हाँ मैम आप एक बार लिंक भेज दीजिए, जी बेटा, उस पर लिंक होगा ना वो भेज दीजिए। मेरे पास नोटिस है, लिंक नहीं है। मैं एक बार देखती हूँ, अगर लिंक भी भेजती हूँ इस पे। एक तो उसका है तो SOL, नहीं SLC। हाँ मैं मैम फिर मेरे से उसमें कोई लिंक मेल है भी नहीं बेटा आया कोई नहीं। पुनीत, इसमें जो मैंने नोटिस भेजा उसमें लिंक है। ओके और उसमें पूरी डिटेल गिवन है नोटिस में कि आपको पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर नेम, एनरोलमेंट, कैप्चा कोड होगा, क्लिक सबमिट बटन, एक OTP आएगा, सारी डिटेल गिवन है। अगर कोई क्वेरी है या डिस्क्रिपेंसी है तो किसको कॉल करना है और किसको मैसेज करना है, वो सब कुछ गिवन है। देखा? मैम लिंक ओपन नहीं हो रहा है। ओके, आई विल पुट दिस अक्रॉस कि ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है। मैम ग्रुप पे जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है उसमें देखिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन फी है जो हम लोगों ने 10 सितंबर से पहले ही जमा कर दिया है। अच्छा ठीक है, अगर जमा कर दिया है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है कोई। मैम नोटिस में बोल रहे हैं कि रिफंड करने के लिए अप्लीकेशन डालने के लिए। बेटा रिफंड क्यों होगा, अब
एग्जाम तो होगी ना तुम्हारे, शायद शायद फिर से जमा करना होगा रिफंड लेके। एग्जाम बेटा ऑनलाइन होंगे इस बार, आई होप यू नो तुम्हारे एग्जाम इस बार भी ऑनलाइन है। यस मैम, इतनी खुशी की बात है ना ऐसे तो तुम लोगों के लिए। यस मैम। दिव्यराज मैं ये वाली बात ना एक बार प्रिंसिपल सर से डिस्कस करूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स ने ये किया है तो फिर इसका क्या करना है? मैम सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट ने किया लगभग। ये सब नहीं किया होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म तो कोई किसी ने भी मिस नहीं किया होगा, बट मैं एक बार ना विल जस्ट स्पीक टू प्रिंसिपल सर कि ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है जो एक, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म 10 सितंबर लास्ट डेट थी तो भाई अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, कल 10 दिसंबर नवंबर है, तो ये कौन सी फीस है? हम लोगों ने बस फीस जमा किया मैम, हम लास्ट फॉर्म नहीं सबमिट किया। एक बार वेदांत वी हैव टू डिस्कस दिस कि भाई किसी का मिस भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि कोई बेचारा गलत फहमी में हो कि हमने तो शायद से लास्ट वीक में पोर्टल खुलता है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, उनको आपको वो रोल नंबर भी तो देने हैं ना, लास्ट वीक में करेंगे तो फिर पोर्टल में कैसे मतलब जो जैसे 18th उन्होंने लास्ट डेट बोली है तो लास्ट वीक में खुलेगा ना 11th के बाद से। Not like that. मैम जब सेकेंड ईयर में हम लोग आए थे उसी टाइम में एक मेल आया था जिसमें लिखा हुआ था एग्जामिनेशन फी और एडमिशन फी सेकेंड ईयर का, दोनों हम लोग को साथ में सबमिट करना है। मैम वो कॉलेज की ईयरली फीस के साथ एडमिशन फी सबमिट कराई थी। मैम वो तो एग्जामिनेशन फीस थी 1500 के आसपास कुछ थी, वो अलग थी और वो अलग थी कॉलेज के एडमिशन फीस अलग थी, लेकिन हमने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था, वो तो हमने पेटीएम से पे करी थी। प्लीज ये क्लैरिटी रखो कि एग्जामिनेशन फॉर्म अलग होता है, एग्जामिनेशन फीस अलग होती है। हां मैम वो एक हमने वो फीस तो अलग पे करी थी, वो तो पेटीएम से पे करी थी, उसमें कोई एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था। फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था। बट ये वाली जो नोटिस आपने भी सेंड की है इसमें भी लिखा है एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए, तो लाइक दोबारा सबमिट करनी है? नहीं कुछ कॉलेजेस में बाद में लेते हैं फीस। हाँ और हमें सिर्फ फॉर्म भरना है, वो इसलिए भरना है निमिषा क्योंकि आपने फीस तो सबमिट कर दी लेकिन आपकी फीस के साथ आपका जो रोल नंबर है ना, जहाँ आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालते हो या अपने कॉलेज का रोल नंबर डालते हो तो कॉलेज जो है वो उसको कंसिडर तो कर लेता है कि हाँ जी फीस तो आई हुई है, लेकिन आपको फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में सारे पेपर कंपल्सरी होते हैं, सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन वाले पेपर आते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ले रखा है, कई स्टूडेंट्स हैं जिसने हिंदी बी ले रखी है, किसी ने हिंदी ए है, किसी के पास कंप्यूटर के अलावा क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? आई थिंक वो है ना साइबर क्राइम एंड लॉज मैम। हां ये साइबर क्राइम है ना। एग्जैक्टली अभिषेक, फॉर्म सबको सबमिट करना है क्योंकि आप उसमें अपने पेपर्स को सिलेक्ट करोगे ना कि मेरा पेपर तो कंप्यूटर है या मेरा पेपर तो साइबर क्राइम है या मेरा पेपर तो हिंदी ए है बी है। जैसे कंपनी लॉ तो कंपल्सरी पेपर है, सबको पढ़ना ही पड़ेगा, सबको वो एग्जाम देना ही है, लेकिन जो ऑप्शन वाले पेपर है उनका क्या होगा? यस मैम। तो दिव्यराज, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द फीस फ्रॉम यू, दे आर आस्किंग यू गाइस टू सबमिट द फॉर्म। ओके मैम। Guys, done, पढ़ लिया, देख लिया टेबल एंड ऑल दैट। प्रदीप डन, मामू भी एक मिनट और दे दे। चार्ट देख लिया सबने? दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
डन गाइस? यस मैम। Let's take up the doubts. विनीत, उसके अलावा और कोई डाउट है बेटा? यस मैम है। एक एक करके लेते हैं। पहला डाउट है विनीत का, पेज नंबर 8.15 पे। द स्टेटमेंट सेज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन और प्रॉमिस। देखो बेटा, जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है ना, मतलब मान लो कि मैं कह रही हूँ कि मेरी कंपनी का बिजनेस जो है वो उसका प्रॉफिट 1.5 करोड़ है। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है? और मैंने उसको ऐसे लिखा दैट द प्रॉफिट में ग्रो अप टू 2 करोड़। प्लीज सी द स्टेटमेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक में मैं आपको प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हूँ और एक में मैं कह रही हूँ द प्रॉफिट में ग्रो टू 2 करोड़, ठीक है? तो जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है आप उसको डिस्टिंग्विश करोगे कि ये उसका उसकी राय है, उसका ओपिनियन है, या वो फैक्ट को रिपोर्ट कर रहा है। अगर फैक्चुअल चीज गलत है, झूठ है, तो वो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी ने ओपिनियन दी दैट द कंपनी विल ग्रो एट दिस लेवल, द कंपनी विल बिकम दिस, और द कंपनीज प्रॉफिट विल ग्रो, और इट इज माय एस्टिमेशन एंड वी आर क्लोज टू, मतलब ये कंपनी के ना तरीके होते हैं बेटा बोलने की, वी आर क्लोज टू टचिंग 2 करोड़। अब वो क्लोज टू आपके हिसाब से 50 लाख का डिफरेंस होगा, लेकिन कंपनी के हिसाब से होगा अरे वी आर क्लोज टू। तो हमें ना समझना है कि कंपनी ने कैसी लैंग्वेज यूज की है। तो कई बार लोग बड़ा स्ट्रेट पूछते हैं भाई कितना, ठीक है? जैसे कई बार ना कोई लोग आपसे एज पूछ लेंगे, व्हाट इज योर एज? आई एम अबव 30, ठीक है? तो एक पंजाबी मूवी थी तो उसमें वो कहते हैं कि सर मैं 30+ हूँ। तो कहते हैं कितना 30+? 30+30 मतलब 30+ तो हर इंसान है जो मतलब दे वर सिटिंग ऑन द टेबल, एवरीबॉडी वाज 30+। तो 30 में कितना प्लस, ठीक है? तो वैसे ही आप इस बात को एक्सप्लेन की तरह कह रहे हो या आप उस बात को फैक्ट की तरह कह रहे हो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यस विनीत। बट मैम जो स्टेटमेंट अभी आपने बताया, दिस इज नीदर अ प्रॉमिस नीदर अ ओपिनियन ऑफ अ पर्सन। बेटा मैं तो आपको ऐसे एग्जांपल दे दी थी, मैं प्रोस्पेक्टस के मामले में कहूंगी तो वी आर क्लोज टू 2 करोड़ रुपीस ऑफ प्रॉफिट। This is an opinion. This is a suggestion. This is an estimation. But ma'am, in the books of accounting, only consider the factual data, not the opinions of people. आपसे किसने कहा ऐसा विनीत? मैम जब बुक बनेगी अकाउंट्स की किसी कंपनी की तो वो एक फैक्चुअल डेटा है। विनीत प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट अकाउंट्स आर डिफरेंट बच्चा, ठीक है? एंड दिस इज डिफरेंट, मतलब मैं सिर्फ अकाउंट छोड़ना देखती हूँ, मैं कंपनी कितना अच्छा कर रही है उसको भी तो देखती हूँ, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं वो भी तो देखती हूँ। पेटीएम का आईपीओ आया है और वो आईपीओ जो है वो ओनली 21% टाइम भरा है। क्यों भाई 100% क्यों नहीं भरा? सारे आईपीओ तो ऐसे 150 टाइम्स 100 टाइम्स इतने ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, पेटीएम का क्यों नहीं भर रहा? जबकि पेटीएम इज अ गुड कंपनी, व्हाई पीपल आर नॉट गिविंग अ रिस्पांस? मैम थोड़ा लॉट साइज मतलब ठीक है, मतलब 6 शेयर है बस उसमें एक तो, और थोड़ा मैम शेयर प्राइस ओवर प्राइस है इसलिए। एग्जैक्टली निपुण, हमें लग रहा है, मैं भी डिस्कस यही कर रही थी कि मेरे को नहीं लगता मैं 2000 रुपए का शेयर खरीदूंगी पेटीएम का। आई डोंट फील कि ये 2000 रुपए का वर्थ इट है। मतलब सबकी अपनी ओपिनियन होगी, people might have been feeling, but मेरी ओपिनियन है निपुण कि मेरे को 2000 रुपए का नहीं लग रहा अच्छा,
ठीक है, यस तो मैम ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो है उसके बारे में मैं पढ़ूंगी. आज ही मैं आई वाज लुकिंग एट द लिसनिंग टू द इंटरव्यू ऑफ द सीईओ ऑफ पेटीएम मिस्टर अशोक देबड़ा. मैं उसके बारे में सुन रही थी और उन्होंने से पूछा कि आपका आईपीओ आया है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या क्या कर रही है उसका. एंड यू नो देयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन नोएडा, जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो नोएडा में है पेटीएम का. ठीक है, यस मैम वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम ऐसे एक्सपैंड करेंगे, हम ये करेंगे. बेटा ये सब क्या है विनीत, दिस इज द ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी लोग शेयर्स खरीदते हैं वो सिर्फ बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते, या सिर्फ ये नहीं देखते कि कैश फ्लोस कितने अच्छे हैं या रेशियोज कितने अच्छे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो लिसन विनीत कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है, सीईओ की क्या ओपिनियन है, एमडीज की क्या ओपिनियन है, उनको क्या लगता है कंपनी कहाँ जाएगी, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ऑडिटर्स की क्या ओपिनियन है. ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. यस मैम आई कंप्लीटली एग्री विद यू बट मैम देयर आर पीपल आर आल्सो अज्यूमिंग द ओपिनियंस रिगार्डिंग द यस बैंक बट यस बैंक हैव परफॉर्म्ड वेरी डल इन द मार्केट अच्छा देखो, अलग अलग चीजों के लिए ओपिनियन दी जाती है. अब कोई हर इंसान की ओपिनियन अलग होती है. ओपिनियन के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी तो है, हो सकता है सही सही हो जाए भी नहीं, हो सकता है सही ना हो. हम जो यहाँ मेरा बात कर रहे अनसर्टेन हैं, है मैम हाँ जी मैम, फ्यूचर अनसर्टेन हाँ दिव्यराज. और दूसरी बात ये, एक मिनट देना, दूसरी बात ये दिव्यराज कि हम लोगों की ओपिनियन पे शेयर्स खरीदते हैं. हम प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में कंपनी तो अपने बारे में सारी अच्छी अच्छी नोनी नोनी बातें लिखेगी ना, लेकिन पॉइंट यहाँ पर क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ओवर एग्जैजरेशन नहीं करोगे, या आप झूठ नहीं लिखोगे, या फैक्ट के साथ ओवर एग्जैजरेशन नहीं करोगे. आप ये बोल रहे हो वी आर क्लोज टू 2 करोड़ रुपीज, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट इफ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो भाई मैं पीएनएल देख लेती हूँ. प्रॉस्पेक्टस में पीएनएल लगा दो, अटैच कर दो. ठीक है, आपने यस मैम देखना है कि उन्होंने यस झूठ कहाँ बोला, उन्होंने फैक्ट वाली बात पे झूठ बोला है या फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई ये मेरा ओपिनियन है कि कंपनी ऐसा करेगी, कंपनी एक इसमें जाएगी. ठीक है, जैसे कि टाटा एलेक्सी कंपनी के बारे में सुना है, दिस कंपनी इज इनटू यू नो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बहुत सारी चीजें कर रही है. ठीक यस है, मैम अब ये कंपनी इतना कुछ कर रही है, दे आर सेइंग दैट वी आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स यू नो इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब हम सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिफिकेशन और ये चिप्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजों के लिए निपुण, दे आर मूविंग. अब जरूरी नहीं है कि ये करे, वो ऐसा सोच रही है एक्सपैंड करने का. तो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन विनीत, ये फैक्ट नहीं है कि हम इसमें जा रहे हैं. जब तक कॉन्ट्रैक्ट मिल नहीं जाता, जब तक चले नहीं जाते, वी डोंट नो, यस लेकिन मैम ये सिर्फ ओपिनियन है कि हम ऐसा करना चाहते हैं. तो हमें देखना है कि प्रोस्पेक्टस में ओपिनियन गलत है या फैक्ट वाली बात गलत है. अगर ओपिनियन है तो भाई हो सकता है प्रोबेबिलिटी है, फ्यूचर इज अनसर्टन, जैसे दिव्यराज ने कहा हमें नहीं पता हो पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वो चीज फैक्ट है जो आप झूठ लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो, तो भाई वो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस में माना जाएगा, वो अनट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा, वो फ्रॉड माना जाएगा. मैम हाँ जी देना आई एम बोल. सॉरी टू इंटरप्ट यू बट नाउ आई हैव माय हिंदी वाइवा, तो मैं लीव ओके कर हाँ दूँ. हाँ आई एम एंडिंग द क्लास टू, सी यू गाइस एट 4:30. ओके मैम, थैंक यू. ओके मैम ओके सी यू गाइस एट 4:30, हमें आज ये चैप्टर खत्म करना है. ठीक है, ओके मैम एक्सक्यूज मी मैम ओके मैम. एक्सक्यूज मी मैम हाँ बच्चा बोलो. मैम जो डिविडेंड रिसीवेबल होता है उसपे टीडीएस कट के मिलता है मतलब क्या होता है? बिल्कुल, अगर बच्चा उसपे आपका टीडीएस जो है वो पूरे साल का 10,000 रुपए हो गया, तो उसमें आपको टीडीएस कट के पैसे मिलेंगे, निपुण काट कंपनी मतलब के देगी. पर्टिकुलर कंपनी का 10,000 से ऊपर हो गया तो हाँ जी, ओके मैम कंपनी काट के देती है. हाँ वो कंपनी काट के आया हुआ है हाँ कंपनी काट के आया हुआ है. मेरे घर में भी ये डिस्कशन हुआ था अभी, हालांकि मेरे को तो पता ही है, बट माय मदर इन लॉ उनको नहीं पता था कि अब वो टीडीएस काट के देंगे. तो शी टोल्ड मी कि एक कंपनी है उनसे उनको पैसे आए हैं आई थिंक, तो वो टीडीएस काट के आया है. वो टीडीएस कट के आते हैं
वो अगर 10,000 से ऊपर हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ तभी, अगर मान लो कोई कोई छोटा मोटा डिविडेंड आ रहा है, जैसे मुझे रुद्र क्लास का टाइम हुआ है फाइनल 2:30 एंड 4:30, वी मीट 2 टाइम्स। यस अभिषेक, आप मुझे अटेंडेंस 2 बार सेंड करोगे। रिदम, एक बार हमारी क्लास 2 बार हो रही है ना बच्चा, तो 2 बार अटेंडेंस होगी। ठीक है निपुण? मैम जैसे एक बार 58 रुपीज का आ चुका है डिविडेंड, अब 5 रुपीज का और आ रहा है, तो उस पर टीडीएस कट के ही आएगा ना फिर? बेटा मल्टीप्लाई करेंगे ना, मेरे को कैसे पता आपके पास कितने? नहीं मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब अगर 10,000 से ऊपर बैटरी है वो हाँ पूरे साल जी, की है, हाँ तो जी, हाँ वो उस जी, पर टीडीएस कटेगा हर बार, हाँ है ना? जी, हाँ ठीक जी, हाँ जी। है, ठीक, थैंक यू मैम। योर वेलकम बच्चा। चलो, सी यू गाइज एट 4:30।